ये है होम्योपैथिक सौंदर्य क्रीम जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अमेजिंग है एक्ने पिंपल्स यानी कि कील मुहासों के ट्रीटमेंट के लिए और उनके स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए। सो ये सौंदर्य क्रीम यूज़ करने से चेहरा काला होता है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेरी मुझसे पूछी है। साथ में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, अगर हैं तो क्या हैं और इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सौंदर्य क्रीम के बारे में बात करेंगे एंड इससे जुड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल कि सौंदर्य क्रीम चेहरा काला करता है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में कुछ बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और इसे इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी वो सब अपने क्लिनिकल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। तो वीडियो रिक्वेस्टेड है एंड इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है होम्योपैथिक सौंदर्य क्रीम, बीबीपी फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। 30 ग्राम क्वांटिटी पैकेजिंग में ये आती है, ट्यूब पैकेजिंग है और एमआरपी है इसका 100 रुपीज़। इसके मेन इंडिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक्ने पिंपल्स यानी कि कील मुहासों के ट्रीटमेंट के लिए प्लस उनके स्कार्स के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके के हैं, डार्क हैं, पिगमेंटेड हैं, ब्राउनिश हैं, पिटिंग स्कार्स हैं उसके लिए, देन रफ स्किन टेक्सचर है अगर आपका तो उसको स्मूद आउट करने के लिए, सन टैन या सनबर्न या धूप से जो पिगमेंटेशन होता है, जो ब्लेमिशेज होते हैं उसको ठीक करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर चार बहुत अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली है इसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर, सेकेंड है इसके अंदर ओलियम सेंटेली, वो भी मदर टिंचर फॉर्म में है, थर्ड है इसमें थूजा, अगेन मदर टिंचर में है, एंड फोर्थ इज़ नेट्रम्यू जो 3x पोटेंसी में है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है इसका, सिंपल से क्रीम बेस में इन चार होम्योपैथिक मेडिसिन को ऐड किया है जिसको लगाने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, सो सिंपली आपको अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद कोई टोनर लगाते हैं तो लगाइए, कोई फेस सीरम लगाते हैं तो लगाइए, और उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र के जगह पे ये सौंदर्य क्रीम लगानी है। दिन में 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एक बार दिन में, एक बार बेड टाइम पे। नाउ लेट्स गेट इन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, वो है क्वेरी कि क्या इस सौंदर्य क्रीम को लगाने से चेहरा काला हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा अफवाह हम बोल सकते हैं इसको, कि हर जगह ऐसा, मैंने यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस ऐसे देखे हैं जिनमें थंबनेल में ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क करके, फिर मेरे पास तो बहुत ज़्यादा क्वेरी है इसकी। तो ये जो प्रोडक्ट है सौंदर्य क्रीम कम्प्लीटली होम्योपैथिक है। इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट एट ऑल अ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। इसके अंदर जो चार मेडिसिन है वो चारों होम्योपैथिक हैं, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये आपके चेहरे को काला बिल्कुल भी नहीं करती है। चेहरा काला यूजुअली स्टेरॉयडल बेस्ड क्रीम से होता है, जो स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम्स होते हैं जो हम लगाते हैं अपने पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस को क्लियर आउट करने के लिए बिना किसी डॉक्टर के सलाह के। तो उससे होता क्या है, स्किन थिनिंग स्टार्ट होती है और फिर जब आप उसको लगाना बंद करते हो एज अ विड्रॉल इफेक्ट, आपका जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है, उसका उसमें पिगमेंटेशन हो जाती है डार्क कलर की, उसका टोन आपके टोन से डार्कर हो जाता है। तो ऐसा स्टेरॉयडल क्रीम ये सौंदर्य क्रीम नहीं है, तो आपको इस तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा एंड ना ही इसको यूज़ करने से आपकी स्किन पतली होगी। ऑल्सो इसको यूज़ करना बंद करने के बाद भी आपको कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, अगर हैं तो बताइए। सो इस क्रीम के कोई भी नॉन साइड इफ़ेक्ट्स मैंने अपनी क्लिनिक में टिल डेट किसी भी पेशेंट में नहीं देखे हैं। मैं इसे बहुत रूटीन में प्रिस्क्राइब करती हूँ इस क्रीम को। थर्ड क्वेरी इज़ कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सो सिंपली मैंने पहले भी बता दिया कि जैसे आप फेस वॉश करने के बाद अपना कोई मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, वैसे ही आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में से लेना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको अप्लाई कर लेना है।
अब इन वेरी शॉर्ट आपको कुछ क्विक टिप्स मैं इसके बारे में बता देती हूँ, सौंदर्य क्रीम के बारे में। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले चेहरा काला करने को लेकर जो बात है, तो सौंदर्य क्रीम अगर आप डे टाइम में लगाते हैं और बाहर जाते हैं धूप में और सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते हैं, तो वो जो टैनिंग होती है वो सौंदर्य क्रीम की वजह से नहीं बल्कि धूप की वजह से होती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसा करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हम इसे डे टाइम में लगा सकते हैं या नहीं। मैं रिप्लाई करती हूँ यस, फिर वो लगाते हैं और बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर चले जाते हैं, तो वो टैनिंग सौंदर्य क्रीम की नहीं होती है। आपको वो जो ब्लैक जो भी टैन होता है आपको या डिस्कलरेशन होता है वो धूप की वजह से होता है। तो इसमें सनस्क्रीन फैक्टर नहीं है, तो आपको एक अच्छा SPF यूज़ करना है दिन में अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड, अगर आपकी स्किन ऑयली है या हैवी ऑयली है और बहुत ज़्यादा ऑयल आपको निकलता है, तो ये जो क्रीम है ये थोड़ा सा थिकर साइड पे है इसका टेक्सचर, तो आप इसे डे टाइम में मत यूज़ करिए, आप इसे सिर्फ बेड टाइम पे यूज़ करिए। दिन में एक बार रात को चेहरा क्लीन करने के बाद आप अपने फेस पर इसे लगाकर सो जाइए। थर्ड, जैसा मैंने बताया क्रीम का टेक्सचर थोड़ा थिकर साइड पे है, तो जब आप जिस टाइम सौंदर्य क्रीम लगा रहे हैं तो उस टाइम ज़्यादा प्रोडक्ट की, ज़्यादा फेस ऑयल्स की या फिर स्किन केयर ट्रीटमेंट्स की लेयरिंग मत करिए, सिर्फ फेस वॉश करिए। एक टोनर लगा सकते हैं, कोई भी स्किन ट्रीटमेंट का सीरम आप लगा लीजिए और सिंपल सौंदर्य क्रीम लगाइए। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है कि 15-30 दिन में कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिएगा, ना ही एक्ने पिंपल्स में, ना ही पिगमेंटेशन में, ना ही एक्ने पिंपल के स्कार्स में, ना ही मोल्स के ट्रीटमेंट में। किसी भी किस्म के स्किन ट्रीटमेंट में 15-30 दिन में कोई थेरेपी में रिजल्ट नहीं मिलता है। ये कंप्लीटली नेचुरल हर्बल प्रिपरेशन है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन नहीं है जो आपने लगाया और ओवरनाइट जादू आपको देखने को मिल जाए। सुबह आप उठें तो आपकी स्किन एकदम चमकने दमकने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। स्किन को धीरे धीरे हील करती है, ये इंटरनली हील करती है, उसमें वक्त लगता है। तो आप एटलीस्ट 3 मंथ्स इसे यूज़ करिएगा विजिबल रिजल्ट्स देखने के लिए। लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी बात बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि पैश टेस्ट इज़ मैंडेटरी। कोई भी प्रोडक्ट, इवन रोज़ वाटर भी आप लगाते हैं तो एक पैश टेस्ट ज़रूर करिए पहली बार। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो सौंदर्य क्रीम लगाने से पहले भी आपको एक पैश टेस्ट करना है, 24 घंटे वेट करना है और फिर उसके बाद ही कंटिन्यू करना है। सो गाइज, ये थी सौंदर्य क्रीम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सौंदर्य क्रीम चेहरा काला करती है या नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कैसे आपको इसे सही तरीके से यूज़ करना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके ज़रूर काम आएगी। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज, लव यू ऑल, बाय।